Hello students, this is the new topic of the development biology, extra embryonic membranes. Membrane से embryo में extra कैसे हो सकती हैं वो extra का मतलब क्या है कि ये embryo है complete. इस embryo के अंदर आपको extra जो layer दिखाई दे रही है वो होती है इसके अंदर extra embryonic membranes. जैसे बस एक्टोडर्म मेजोडर्म और इनके अलावा जो मेम्ब्रेन है जैसे एलॉन्टिस है योक्सेक है सेल मेम्ब्रेन है ये सभी क्या है एम्ब्रियो से एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है. हम इसमें इसकी बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन कैसी होती है. ये होती है चार तरह के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. फर्स्ट वन इज द एमिनियन एलॉन्टिस कोरियोन योक्सेक. ये होता है इसके अंदर एम्ब्रियो. इस एम्ब्रियो में जो ये एक्स्ट्रा जितने भी मेम्ब्रेन हैं ये सभी इसको प्रोटेक्शन के लिए करती है. तो ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है ये एक पिक्यूलियरिटी होती है. सभी में नहीं होती है तो ये हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या होता है. डेफिनेशन क्या होती है इसकी. डेवलपमेंट के ड्यूरेशन ऑफ एन एमनियोट एम्ब्रियो कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एमनियोटिक कैविटी होती है उनको हम एमनियोटिक एम्ब्रियो बोलते हैं. Only a part of zygote forms the actual embryo, whereas the other develop into the extra embryonic regions. तो उनको हम क्या बोलते हैं extra embryonic और the fetal membranes. इसने क्या कहा कि जो zygote बना है उस zygote में कुछ part है जो सिर्फ actual का embryo formation करता है. Otherwise कुछ part जो बच जाता है वो extra embryonic part को develop करता है जिसको हम extra embryonic मेम्ब्रेन्स बोलते हैं. फीटल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर दोज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बट लाइज आउटसाइड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के अलावा और मेम्ब्रेन्स है लेकिन एम्ब्रियो को छोड़ेंगी नहीं एम्ब्रियो के सराउंडिंग में ही मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि एक पार्ट यहाँ एम्ब्रियो है और ये अलग अलग पार्ट्स हैं. ये इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन के लिए ही होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो उसके पास होती है. ये देखो इसके अंदर योक्सेक एमनियन कोरियोन एंड एलॉन्टिस ये है सभी टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ये एम्ब्रियो के अंदर देखो सबसे बाहर क्या है शेल. ये शेल वो शेल होती है जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करते हैं बाहर डेवलपमेंट होती है जिसकी आउटसाइड दी बॉडी डेवलपमेंट होती है और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा में ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयरिंग होती है जो वाइट से कलर की होती है CaCO3 की. तो वो क्या होती है उसको हम शेल बोलते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती है. जैसे हेन का एग देखा होगा उसके अंदर एक वाइट कलर का बाहर से आउटर कोट होता है दैट इज शेल. उससे नीचे वाली लेयर क्या होती है कोरियोन. ये ब्लू कलर की क्या है एलॉन्टिस. ये क्या है रेड रेड कलर की क्या है एमनियन. और एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में जो कैविटी है जहां पर ये फ्लूड होता है दैट इज एमनियोटिक कैविटी. और ये नीचे जो बच जाता है ये बड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो ज्यादा दिखाई दे रहा है दैट इज योक्सेक. इन सभी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे होता है इनके अंदर. फर्स्ट वन इज द एमनियन एंड कोरियन होते हैं. Reptilians, avians and mammalian embryo are covered with an umbrella-like covering called the amniote. तो उनको हम क्या बोलते हैं amniotes. जिनके अंदर amniote बनती है ये layer जिसके अंदर बनती है उसको हम बोलते हैं amniotes. It is formed from the somatopleura. हमने gastrulation के अंदर तीन layer पढ़ी ectoderm, mesoderm और endoderm. ये जो mesoderm होते हैं इसके दो part होते हैं. फर्स्ट वन इज द सोमेटिक मेजोडर्म. सेकेंड वन इज द स्प्लैंचिक मेजोडर्म. एक्टोडर्म और सोमेटिक मेजोडर्म ये दोनों बनाती हैं एमनियन. और जो स्प्लैंचिक मेजोडर्म और एक्टोडर्म बन जाती है वो बनाती हैं योक्सेक और एलॉन्टिस. तो ये होता है सोमेटोप्लूरा. क्या कि एक्टोडर्म और सोमेटिक मेजोडर्म ये फॉर्मेशन करती है दैट इज सोमेटोप्लूरा. और सोमेटोप्लूरा से बनती है एमनियन एंड कोरियन. अब किस तरीके से बनती है वो दो मेथड्स क्या है. फर्स्ट वन इज द बाई फोल्डिंग.
एम्ब्रियन इज डेवलप्ड एज ए फोल्ड ऑफ सोमेटोप्लूरा फ्रॉम एंटीरियर साइड ऑफ द एम्ब्रियो, कि जहां पर ये सोमेटोप्लूरा की फॉर्मेशन है वहां से क्या है ये इनसाइड कैविटी की फॉर्मेशन कर लेता है, इंटरनली चले जाना शुरू हो जाता है, जैसे इनवर्ड फोल्डिंग होती है इस ड्यूरेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई फोल्डिंग। किसमें बनती है ये, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और प्रोटोथेरियंस में, उनके अंदर क्या बनती है, बाई फोल्डिंग एम्नियन की फॉर्मेशन होती है, और फॉर्मेशन एम्नियन की कहां से होती है, सोमेटोप्लूरा से होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब सोमेटोप्लूरा एंटीरियरली साइड में एम्ब्रियो में जाएगा, फोल्ड होगा, तो उससे क्या है, एम्नियन की फॉर्मेशन होती है, जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथेरियंस के अंदर ये होती है। नेक्स्ट वन इज बाई कैविटेशन, कैविटी की फॉर्मेशन होती है जिसमें एम्नियन बाय डेवलप बाय द अपीयरेंस ऑफ ए कैविटी इन द इनर सेल मास ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो। जब जायगोट के फॉर्मेशन के बाद ह्यूमन बीइंग में या मैमल्स में डेवलपमेंट होती है तो एक लेयर बनती है बाहर ट्रोफोब्लास्ट, और एक ग्रुप ऑफ सेल बस जाता है जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। उस इनर सेल, यही उसी के लिए कहा है कि इनर सेल मास के ऊपर किस वजह से और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में कैविटी की फॉर्मेशन होती है, उस कैविटी को हम एम्नियोटिक कैविटी बोलते हैं, और उसकी वजह से एक लेयर है जो ऊपर बनी है, दैट इज नोन एज एम्नियोन। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन, माउस, रैट, ऑल दीज आर मैमल्स। कोरियोन इज फॉर्म्ड ऑफ सोमेटोप्लूरा बाय फोल्डिंग। अब एम्नियोन की दो फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, फर्स्ट वन इज द फोल्डिंग, सेकेंड वन इज द कैविटेशन, एंड कोरियोन की किससे होगी, बाय द फोल्डिंग मेथड, दैट वन आल्सो बिकॉज ऑफ द सोमेटोप्लूरा। सोमेटोप्लूरा से दोनों की फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट वन इज द एम्नियोन, सेकेंड वन इज द कोरियोन। फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोन एंड कोरियोन इन द चिक, एक स्पेशल केस डिस्क्राइब किया गया है। इन चिक एम्नियोन फॉर्मेशन स्टार्ट आफ्टर द 30 आवर्स ऑफ द इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि जब एक हैन एग ले कर देती है और उसके बाद कंप्लीट उस ऑर्गेनिज्म का हैच आउट होना, उस ड्यूरेशन के बीच को बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। कि यहां पर ये एक फर्टिलाइज्ड एग ले डाउन हो गया है बॉडी से, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है बाय द हैन आफ्टर सिटिंग ऑन दैट एग, एंड टिल हैचिंग दैट पीरियड इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। तब जब स्टार्ट होता है तो उसमें फर्स्ट 30 आवर्स में ही क्या है, एम्नियन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ए फोल्ड ऑफ सोमेटोप्लूरा अराइज इन फ्रंट ऑफ द हेड फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियो एंड इज कॉल्ड द हेड फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियो। पहले ही कहा हमने सोमेटोप्लूरा से क्या है, एम्नियन और कोरियोन दोनों की फॉर्मेशन होती है। तो एम्नियन की फॉर्मेशन में सोमेटोप्लूरा जो एम्ब्रियो का हेड है वहां से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हेड फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये स्पेशल केसेस के अंदर बताया गया है कि इसमें कब स्टार्ट होती है। ये देखो सेल जो एक्स्ट्रा लेयर कवरिंग, सॉरी कोरियोन, एम्नियोटिक फ्लूइड, दिस वन इज द एम्नियन, ये एम्ब्रियो, एम्नियन यहाँ पर है जो ये लेयरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट है, एलांटिश ये जहाँ ये है, ये जो रीजन ये दिखाई दे रहा है इधर से, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट और बचाता है योक, जो वेजिटल बॉल जिसको हम बोलते हैं योक, जो एक्स्ट्रा योक है दैट इज योक सैक के नाम से उसको हम बताते हैं। सभी का अपना अपना एक फंक्शन है। अब 48 आवर्स के बाद क्या होता है उसके अंदर, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द इंक्यूबेशन सिमिलर फोल्ड ऑफ द सोमेटोप्लूरा डेवलप्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो एंड दैट इज कॉल्ड द टेल फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियो। जब एंटीरियर साइड से स्टार्ट हुआ था दैट वन इज द हेड फोल्ड ऑफ द एम्नियन एंड द पोस्टीरियर साइड के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट वन इज द टेल फोल्ड ऑफ द एम्नियन। दिस इज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल फोल्ड्स ऑफ द एम्नियन ग्रोइंग अपवर्ड। एम्नियन कैविटी क्या करती है, उसके बाद लेटरल साइड्स में भी, साइड्स में लेटरल साइड्स क्या होती है, अगर ये है दैट वन इज द फ्रंट, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, दिस वन इज द पोस्टीरियर, ये दोनों साइड में क्या होती है, ये लेटरल पोजिशन होती है। तो इसके लेटरल पोजिशन में भी क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाते हैं। हेड एंड टेल फोल्ड ग्रो टुवर्ड ईच अदर।
क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक एग के अंदर, यहां से इस तरीके की इनफोल्डिंग और यहां से यू फोल्डिंग, ये डीप होती चली जाएगी। ये दोनों क्या करेंगे फिर एक दूसरे को मीट करेंगे। हेड एंड टेल फोल्ड गो टुवर्ड ईच अदर, कम क्लोज एंड लीव एन अपर्चर दैट इज कॉल्ड द एम्नियोटिक अम्बिलिकल्स। जो स्पेस रह जाते हैं बीच में उनको हम फिर बोलते हैं एम्नियोटिक अम्बिलिकल्स। On fourth day of incubation, the two folds meet behind the middle of the embryo and their connection is called the seroamniotic connection. जब दोनों fold, head fold of the embryon और tail fold of the embryon, जब दोनों fourth day of incubation के बाद मिलेंगे, that one is called the seroamniotic connection. कि serum उसके अंदर क्या करेगा, meet out करेगा। The intervening walls dissolve and their cavity become the continuous. जो उनके साइड की वॉल्स थी कि वहां से जैसे चल के आया था ये इस तरीके की इनफोल्डिंग, और यहाँ की जो ये इनफोल्डिंग है ये डिजोल्व कर जाएगी और ये क्या है, एक कंटिन्यूस पाथ बन जाएगा। दैट वन इज द एम्नियन फॉर्मेशन इन द चिक। अब एम्नियन के लिए हमने और क्या कहा है, इट इज द इनर आर्क and is formed of inner ectoderm and the outer somatic mesoderm. यही कहा somatopleura के अंदर कि ectoderm and the somatic mesoderm, that one is formed the somatopleura. और उसी से क्या formation होती है embryon की। It encloses a cavity between itself and the embryo called the amniotic cavity. एम्नियन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एम्नियोटिक कैविटी। उसके अंदर जो फ्लूड होता है दैट इज नोन एज द एम्नियोटिक फ्लूड। जो किसी भी एम्ब्रियो की इस एम्नियोटिक फ्लूड के अंदर इसकी सेल्स भी होती हैं, जिससे हमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस एम्ब्रियो का सेक्स क्या होगा। जो हमने एम्नियोसेंटियोसिस पढ़ा होगा ना, कि जिसमें फीमेल फिटिसाइडिस करवाया जाता है, जिसे ये कंफर्म किया जाता है कि दैट एम्ब्रियो इज मेल और फीमेल, तो ये वही एम्नियोटिक कैविटी और ये वही एम्नियोटिक फ्लूड होता है। नेक्स्ट वन इज द कोरियोन। कोरियोन के लिए क्या कहा, दैट वन इज द आउटर आर्क। वो इनर आर्क थी, ये आउटर आर्क है, और ये भी किससे बनती है, आउटर एक्टोडर्म एंड द इनर सोमेटिक मेसोडर्म। स्पेस बिटवीन द एम्नियन एंड कोरियोन इज कॉल्ड द कोरियोटिक कैविटी एंड द एक्सोसिया। स्पेसिफिक नेमिंग है नॉट से, एक नोट है इसके अंदर कि एम्नियन एंड कोरियोन आर फाउंड इन ए सिमिलर मैनर इन रेप्टाइल। ये रेप्टाइल के अंदर दोनों की फॉर्मेशन एक ही तरीके से। In mammals, a body fold is developed from a yolk sac with which the embryo remain attached by a umbilical cords. जो हमने कहा था कि उसके अंदर umbilicals बच जाते हैं जब embryon की formation होती है, तो mammals के अंदर क्या होता है, yolk sac के साथ साथ umbilicals cord की भी formation होती है, जिसके through जो embryo होता है वो mother की body के साथ attach होता है। फंक्शंस क्या होते हैं एम्ब्रियन के, जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। एम्ब्रियोटिक फ्लूड क्या करता है, एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाता है, उसको सूखने से बचाता है। एज एम्ब्रियो ऑफ द फिश एंड रेप्टाइल्स सॉरी एम्फीबियंस इज सराउंडेड बाय द वाटर, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डेसिकेशन, तो वहां पर एम्ब्रियन नहीं प्रेजेंट होती। एक क्वेश्चन है कि वाटर इसके अंदर जो फिशेज और एम्फीबियंस है इसके अंदर एम्ब्रियन क्यों नहीं प्रेजेंट होती, क्यों, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ऑफ डेसिकेशन अराइज नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए एम्ब्रियन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए एम्ब्रियोटिक फ्लूइड नहीं होता उनके अंदर, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो वाटर के अंदर है, वह तो ऑलवेज क्या है, वेट सरफेस है, तो इसीलिए क्या है वहां पर एम्ब्रियन नहीं होती। एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एक्ट एज ए कुशन एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल जर्म। किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स के अगर एकदम से मैकेनिकल शॉक लगता है या फिर धक्का लगता है, तो उसके एम्ब्रियो को उससे बचाए उसके लिए क्या होता है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट होता है वो एम्ब्रियो के ऊपर, डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म मसल्स विच कीप द एम्ब्रियोटिक फ्लूइड मूविंग इन द एम्ब्रियोटिक
कैविटी एंड प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम स्टिकिंग। बॉडी वॉल्स के साथ चिपकता चिपकेगा नहीं, स्टिकिंग नहीं होगी। अगर ये मदर की बॉडी है, मदर का वॉर्म है और यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, इस बीच क्या है, यहाँ सब जगह क्या है, एम्ब्रियोटिक फ्लूड है, और वो फ्लूड क्या है, इस एम्ब्रियो को इसके वॉल के साथ स्टिक नहीं होने देगा। तो ये क्या है, इसके स्पेसिफिक फंक्शन है दैट विल परफॉर्म बाय द एम्ब्रियो। फंक्शन ऑफ कोरियो, कोरियोन का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, कोरियोनिक कैविटी या फिर एक्टोसीट, उसको हमने क्या था कहा था, एम्ब्रियोटिक कैविटी, प्रोवाइड द स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एलोन्टिश। थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन आती है एलोन्टोइस, एलोन्टोनिश, तो उसके फॉर्मेशन में क्या है ये हेल्प करते हैं। कोरियोटिक कैविटी प्रोवाइड द एडिशनल प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक, सेम फंक्शन जो शॉकिंग मैकेनिकल शॉक से बचाता है। कोरियोन एंड एलोन्टिस फॉर्म द एलेंटाकोरियोनिक विच एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स इन द एग लेइंग एम्ब्रियोट्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मोनोट्रेन्स एंड फॉर्म द प्लेसेंटा इन द न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट प्राइमेट्स। तो ये क्या करता है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह भी काम करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स की तरह भी काम करता है, किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मोनोट्रेनेट्स के अंदर, कुछ एक के अंदर ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। इन प्राइमेट्स ओनली कोरियोन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। तो प्राइमेट्स के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरियोन क्या करता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा क्या होता है, मदर की बॉडी के साथ एम्ब्रियो का जो कनेक्शन होता है जिसके थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलता है, दैट कनेक्शन इज नोन एज द प्लेसेंटा। फॉर्मेशन कौन करता है, कोरियो, ओनली इन द प्राइमेट्स। थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज द यॉक, इट इज फाउंड इन द एनिमल्स लाइक पॉलीलेसिकल्स, मियोलेसिकल्स एज देयर इज मेरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड योक इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्लास्टोमियर्स। पॉलीलेसिकल एग जिनके अंदर योक जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जिसके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या बताया था कि नीचे बहुत ज्यादा योक है और ऊपर ही क्या है, सिर्फ क्लीवेज का कुछ फॉर्मेशन, क्लीवेज हो रही है, इसके अलावा क्लीवेज सब भी में नहीं होती, सब पूरे इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर नहीं हो रही है, फर्टिलाइजर जाइगोट के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, योक प्रेजेंट है। सो देयर इज नीड ऑफ योक सैक टू डाइजेस्ट द योक लाइक आउटसाइड। इसीलिए क्या करता है कि ऊपर क्या है, एम्ब्रियो बन जाता है और नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, योक होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, योक सैक। योक सैक ऑफ एम्ब्रियोट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द एनएम्ब्रियोट्स, डिफरेंस होता है दोनों के अंदर कि एम्ब्रियोट्स का योक सैक अलग होगा और एनएम्ब्रियोट्स का, कि जिसके अंदर एम्ब्रियोटिक कैविटी नहीं फॉर्मेशन होती, योक सैक वहां भी होता है लेकिन उनका दोनों का डिफरेंस होगा। एम्ब्रियोट्स योक सैक इज फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय द स्प्लेंचोप्लूरा। स्प्लेंचोप्लूरा में क्या बताया था आपको, इनर इंडोडर्म्स एंड द स्प्लेंचिक मेजोडर्म, मेजोडर्म का स्प्लेंचिक पार्ट और एंडोडर्म इनर की साइड की, वो फॉर्मेशन करती है स्प्लेंचोप्लूरा। इन एम्ब्रियोट्स इट इज फॉर्म्ड बाय द एंडोडर्म, मेजोडर्म एंड द एक्टोडर्म। एम्ब्रियोट्स में स्प्लेंचोप्लूरा से होगी, लेकिन इन एम्ब्रियोट्स के अंदर एंड एम्ब्रियोट्स के अंदर की जिसके अंदर एम्ब्रियन नहीं है, वहां पर एंडोडर्म, मेजोडर्म एंड एक्टोडर्म से क्या उसकी फॉर्मेशन होती है। ये देखो योक सैक, ये ब्लास्टोसील कैविटी, ये फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, ये जो सेल्स है ये डिवाइड कर रही हैं, ये क्या है यहाँ पर, योक प्रेजेंट है। ये देखो इसके अंदर ये एलोन्टोइस, ये योक सैक जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, सारा योक एम्ब्रियन है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रही है जोनोटोकॉर्ड्स के और न्यूरल टॉप्स की, ये सब है। फंक्शंस क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ योक सैक इज टू एक्ट एज ए योक रिजर्वॉयर एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट, एलिमेंट्री कैनाल का काम करता है, फूड प्रोवाइड करवाने का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल्स बर्ड्स इज ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन, कुछ के अंदर क्या है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह भी काम करता है। मार्सुपियल्स के अंदर योक सैक एंड कोरियोन फॉर्म्स द कोरियो वाइटालिन और द योक सैक प्लेसेंटा, इसकी फॉर्मेशन
भी की जाती है। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी कुछ हेल्प योग सेक की होती है। एलेंटोनिश, इट इज अ पिक्यूलियर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फाउंड इन द एम्ब्रियोस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड द मैमल्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑन द लैंड आइदर आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज सेल्ड पॉलीलेसिथल एग। जो लैंड पे रहते हैं, जो एग ले करते हैं, उनकी एग कैसे होते हैं, ज्यादातर सेल्ड कि एक्स्ट्रा, जो जिनको हम क्लिडोइक एग्स भी बोलते हैं, जो सेल्ड पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं उनको। इट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि ह्यूमन बींग में सेल पॉलीलेसिथल एग रिलीज नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरनल डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बींग के अंदर। एलेंटोनिश इज फॉर्म्ड एज ए फोल्ड ऑफ द स्पंजोफ्लोरा, जिससे योक सैक की फॉर्मेशन हो रही थी उसी से एलेंटोनिश की भी फॉर्मेशन होती है। सोमेटोफ्लोरा में क्या होता है, एक्टोडर्म एंड प्लस सोमेटिक मीजोडर्म, जिससे एमनियन और कोरियन की फॉर्मेशन होती है। स्पंजोफ्लोरा में क्या होता है, मीजोडर्म का सोमेटिक स्पंजिंग मीजोडर्म आती है, सॉरी यहाँ पर स्पंजिंग आएगी या फिर इनर मीजोडर्म, और यहाँ पर क्या आती है एंडोडर्म आती है, जिससे योक सैक और एलेंटोनिश की फॉर्मेशन। फंक्शन क्या होते हैं, एलेंटोकोरियोनिक एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स की तरह काम करेगा एंड कम्स वेरी नियर टू दैट शेल मेम्ब्रेन एंड एंश्योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करेगा, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करेगा जो सेल मेम्ब्रेन के पास होगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा। एलेंटोकोरियोनिक इज मोस्ट ऑफ द यूथेरियंस फ्रॉम द प्लेसेंटा, एक्सेप्ट प्राइमेट्स को छोड़ के उनके अंदर एलेंटोकोरियोनिक हेल्प करता है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। एलेंटोइक सैक स्टोर द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिक एसिड इन द एग लेइंग एम्ब्रियोस, सो इट हेल्प इन द एक्सक्रीशन एंड एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स के साथ साथ ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह भी एक्ट करता है। ज्यादा काम होता है इसका किडनी की तरह काम करने का कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करना। याद करने का तरीका ये क्या होता है कि एलेंटोनिश में यहाँ एन होता है, यहाँ भी एन होता है कि एक्स्ट्रा एन है इसके अंदर, और ये क्या करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करेगा। इन यूथेरियंस एलेंटोनिश प्ले एन नो एक्सक्रीटरी रोल, ये प्राइमेट्स के अंदर है। नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो पास इनटू द मैटरनल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, जिसके अंदर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है कि एम्ब्रियो और मदर की बॉडी के अंदर जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा होता है, वहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो उससे उसकी फॉर्मेशन वहां पर जरूरत नहीं होती। उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो हमने पूरा टॉपिक किया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में कुछ क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, कि क्या होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, फंक्शन ऑफ एम्ब्रियन क्या होता है, व्हाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोस, एंड एम्ब्रियोस में इतनी प्रेजेंट क्यों नहीं होती, व्हाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हेल्प बट व्हिच, सॉरी व्हिच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हेल्प इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो वन वन मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके इसमें पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, या फिर जो एक कंपल्सन क्वेश्चन आता है बीएससी के अंदर, फर्स्ट कंपल्सन क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं। विच मेम्ब्रेन एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह किडनी की तरह को रिलीज करने का कौन काम करता है, तो ये सारे क्या हैं इसके कुछ क्वेश्चंस थे, ये सब टॉपिक्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का टॉपिक, आपको इसके अंदर बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मिलेगा, एमएससी में कम मिलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ना से के अलावा ज़्यादा होगा, लेकिन स्पेसिफिक है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के पार्ट में इतना इससे ज़्यादा से जरूरत भी नहीं होती। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।